स्टूडेंट्स एक के नौलाकर क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए इस चैनल को आप जो है नोट डाउन कुछ जानकारी करंट अफेयर्स लेकर के आए हैं। उससे पहले आप जो है जो नए स्टूडेंट है जो पहली देख रहे हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि अगला जब भी नोटिफिकेशन मेरा जारी हो, वीडियो जारी हो तो आपको ये प्रोवाइड होता रहे, ठीक है। इसमें जो है हम व्यापम और सीजीपीएससी की विभिन्न जो परीक्षाएं आयोजित होती हैं उनके द्वारा उसके लिए कुछ करंट अफेयर्स लेकर के आए हैं जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, उसको मैं बताऊंगा और आप जो है नोट डाउन कर सकते हैं। करंट अफेयर आपको कहीं से भी मिले, ठीक है, आपको नोट डाउन करना चाहिए। एक सीक्वेंस में हम देखते जाएंगे तो क्या रहता है, याद रहता है, सरल जाता है। तो चलिए इस वीव से, परीक्षा के वीव से हम लोग देखते हैं 20 सितंबर से 25 सितंबर के बीच करंट अफेयर्स है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं हाल ही में, क्या पहला देख लीजिए, हाल ही में 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार से प्रख्यात मलयालम कवि, ठीक है, प्रख्यात मलयालम कवि अक्कीतम अच्युतन नंबूदरी को सम्मानित किया गया है। मतलब 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार, परीक्षा पूछा था 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया, तो हमको ये ध्यान रखना है अक्कीतम, ठीक है, क्या अक्कीतम अच्युतन नंबूदरी, मतलब आप ये भी याद रखेंगे इतना तो चलेगा नंबूदरी करके, ठीक है, इसको नंबूदरी को, ये कहाँ के निवासी है, तो ये केरल है, ठीक है। कौन से कवि है, तो कौन से है जी, ये मलयालम कवि है, ये दो चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये कौन से कवि है, तो मलयालम कवि है, और ये इनका नाम क्या है, तो नंबूदरी, ये याद रखिएगा, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि कौन से नंबर का ज्ञानपीठ पुरस्कार मिले इनको, 55वां नंबर का ज्ञानपीठ पुरस्कार मिले, जो वेरी इंपॉर्टेंट है, परीक्षा की दृष्टिकोण से मोस्ट टाइमली है, आप नोट डाउन कर सकते हैं इसको, हमेशा परीक्षा में पूछा जाता है। सेकंड देखते हैं संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, ठीक है, क्या संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम में क्षेत्रीय एम्बेसडर, क्या क्षेत्रीय एम्बेसडर किसे चुनी गई, तो किसे बनाया गया है, खुशी चिंदालिया, इसको खुशी चिंदालिया को, ये ध्यान रखना है आपको। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम मतलब क्या, चलिए बता रहा हूं आपको मैं, UNEP इसका फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम, ठीक है। तो ये हिंदी में क्या, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की क्षेत्रीय एम्बेसडर कौन बनी है, खुशी चिंदालिया, चूंकि संयुक्त राष्ट्र वाले ना, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण का इसलिए IP बनता है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला देखते हैं DRDO, क्या DRDO ने अभ्यास, ठीक है, क्या अभ्यास, ये टैंक मिसाइल एक क्या है परीक्षण है, ये क्या है, टैंक मिसाइल परीक्षण है। DRDO ने अभ्यास टैंक मिसाइल का परीक्षण कहाँ किया, ओडिशा में, कहाँ, ओडिशा में सफलतापूर्वक परीक्षण किया, कहाँ किया जी, ओडिशा में, तो ये ध्यान रखना है। DRDO ने कौन सा अभ्यास मिसाइल, ठीक है, अभ्यास टैंक मिसाइल, ठीक है, परीक्षण किया कहाँ, ओडिशा में, ठीक। अगला देखते हैं भारत की पहली, क्या ये इसलिए इम्पोर्टेंट बनता है क्योंकि भारत की पहली महिला है ना, ध्यान रखिएगा, ये क्या है, भारत की पहली महिला है, ठीक है, भारत की पहली राफेल महिला फाइटर, कौन सा राफेल महिला, ठीक है, राफेल महिला फाइटर पायलट कौन बनी है, तो शिवांगी सिंह, ठीक है, कौन बनी है, शिवांगी सिंह, तो ये ध्यान रखिएगा आप लोग, पूछ सकते हैं एग्जाम में। अगला है इंग्लैंड की मशहूर वेदले स्कॉट रिवॉल्वर कंपनी उत्तर प्रदेश के स्याल मैन्युफैक्चरर्स के साथ मिलकर, ठीक है, रिवॉल्वर का उत्पादन करेगी, ठीक, तो ये कौन सा है, इंग्लैंड की कंपनी है, ये कहाँ की कंपनी है, इंग्लैंड की, कौन सी कंपनी है जी, ठीक है, तो ये कौन सी है, वेबले, वेबले स्कॉट रिवॉल्वर कंपनी किसके, उत्तर प्रदेश के स्याल मैन्युफैक्चरर्स कंपनी के साथ मिलकर के किसको उत्पादन करेगी, रिवॉल्वर का, तो ये ध्यान रखिएगा इनके पास कितना शेयर है, ठीक है, इसके पास वेबले स्कॉट रिवॉल्वर के पास कितना है, तो ये 49% है इनके पास, ठीक है, हिस्सेदारी, और इनका कितना है, तो ये 51% इनके पास स्याल मैन्युफैक्चर, ठीक है, ये चीज दोनों ध्यान रखते हो सकता है, पूछ सकता है कितने, किसके पास कितना परसेंट है हिस्सेदारी, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं यहां पर अगला है, ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है, छत्तीसगढ़ में जो भी एग्जाम हो रहा है उसके दृष्टिकोण से बहुत IMP है, रूरल बिजनेस पार्क, कौन सा पार्क, रूरल बिजनेस पार्क, ठीक, कहाँ बनाया गया है, कहाँ बनाया जाएगा, तो महासमुंद जिले में बनाया जाएगा, कहाँ बनाया जाएगा, महासमुंद जिले में बनाया जाएगा, ये ध्यान रखिएगा आपको, बहुत इम्पोर्टेंट है ये, ठीक है, रूरल बिजनेस पार्क है ना। अगला देखते हैं ऑस्ट्रेलिया का, ये भी इम्पोर्टेंट है, कहाँ का जी, पढ़ते हैं, ऑस्ट्रेलिया के मोनास विश्वविद्यालय, कौन सा विश्वविद्यालय है,
मोनास, ऑस्ट्रेलिया के मोनास विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने दुनिया की पहली बायोनिका, क्या पहली कह रहा है, ध्यान रखिएगा दुनिया का पहली, इतनी इम्पोर्टेंट बन रहा है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया के मोनास विश्वविद्यालय, प्रश्न आ सकता है कि वैज्ञानिकों ने पहली बायोनिक आंख बनाया वो कौन सा विश्वविद्यालय में बनाया, तो मोनास विश्वविद्यालय क्वेश्चन यहां बन सकता है आपका। सेकेंड क्वेश्चन ये बोल सकता है कि ऑस्ट्रेलिया के मोनास विश्वविद्यालय ने कौन सा आंख बनाया, तो बहुत सारे ऑप्शन आ सकते हैं, कौन सा बायोनिक आंख, और ये विश्व का पहला है, दुनिया का पहला बायोनिक आंख। ये क्या है, ये कहता है जैसे मस्तिष्क में इसको स्थापित करने के, ट्रांसप्लांट करने के लिए वैज्ञानिकों ने बहुत दिनों से अध्ययन कर रहे थे, आवाज उन्होंने सफलता पाई, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन। अगला जो है, हाल ही में चिकित्सा शिक्षा के लिए, ये भी इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा भाई, हाल ही में चिकित्सा शिक्षा के लिए आईजी नोबेल पुरस्कार, कौन सा पुरस्कार, आईजी नोबेल पुरस्कार 2020 किसको मिला है जी, तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, ठीक है, श्री नरेंद्र मोदी को मिला है, कौन सा पुरस्कार, नो आईजी का नोबेल पुरस्कार किसको मिला, श्री नरेंद्र मोदी जी को, ठीक है, ये कौन है हमारे प्रधानमंत्री, इससे पहले किनको मिला था, ये भारत के, ध्यान रखिए एक चीज बता रहा, मैं लिखा नहीं हूँ कुछ चीज आपको समझा रहा हूँ, ये भारत के आईजी का नोबेल पुरस्कार पाने वाले दूसरे प्रधानमंत्री है, इससे पहले एक बार अटल बिहारी को भी मिल चुका है, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग, ये दूसरे नंबर का है, ठीक है। तो अभी आईजी का नोबेल पुरस्कार किसे मिला, तो नरेंद्र मोदी साहब को, ठीक है। अगला जो है, केंद्र सरकार ने, कभी कभी ऐसा क्वेश्चन हम छोड़ देते हैं, नोट डाउन नहीं कर पाते, जो परीक्षा में आ जाता है और इम्पोर्टेंट होता है, तो ये भी है, केंद्र सरकार ने प्याज सब्जी को, कौन सा सब्जी जी, प्याज सब्जी के सभी किस्मों के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया, क्वेश्चन दे सकता है कि केंद्र सरकार जो है कौन से ऐसे सब्जी का किस्म है जिस पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, ठीक है, तो आपको याद रखना है कौन सा किस्म है, प्याज, ठीक है। तो इतना करंट अफेयर है आज, आज के करंट अफेयर्स में, इसके बाद अगला आपको पॉइंट होगा, आप सब नए स्टूडेंट, मैं पुनः बोल रहा हूँ, सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन क्लिक करिए, ठीक है, कमेंट करके जरूर बताइए, ठीक है, कि इसमें और आपको क्या चीज चाहिए, कुछ अगर कमी बेसी है तो उसको भी आप बता सकते हैं, आपके अनुसार मैं प्रोवाइड करूंगा, थैंक्स।